दोस्तों ईशान खट्टर और अनन्या पांडे स्टार फिल्म खाली पीली अब जल्दी आप सभी को Zee5 के OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि खाली पीली फिल्म का ऑफिशियल टीजर भी हाल ही में यूट्यूब पर रिलीज किया गया है, जिसको यूट्यूब पर लाखों डिसलाइक मिल चुके हैं। हालांकि टीजर सभी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है और यह टीजर इंडिया का मोस्ट डिसलाइकेड टीजर बन गया है। और बता दें चले कि अभी तक फिल्म का सिर्फ टीजर रिलीज किया गया है और अभी तक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया जाना बाकी है। और बता दें कि हाल ही में अनन्या पांडे और ईशान खट्टर फिल्म का प्रमोशन करने एक स्टूडियो में पहुंचे थे और साथ ही साथ रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि उन्होंने फिल्म के ट्रेलर की डबिंग भी पूरी कर ली है और फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब सिर्फ एक सही टाइम चाहिए फिल्म के ट्रेलर को रिलीज होने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि जैसा कि फिल्म के टीज़र को यूट्यूब पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा डिसलाइक मिल चुके हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि खाली पीली फिल्म का यह ट्रेलर उससे भी ज़्यादा डिसलाइक यूट्यूब पर मिलने वाला है। हालांकि ये तो अब देखने की बात होने वाली है कि फिल्म के ट्रेलर को कितने ज़्यादा डिसलाइक मिलते हैं, क्या इस ट्रेलर को सड़क टू फिल्म के ट्रेलर से भी ज़्यादा डिसलाइक मिलते हैं या फिर नहीं, ये देखने की बात ज़रूर होगी। दोस्तों आपको बता दें कि खाली पीली फिल्म में ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की जोड़ी एक साथ पहली बार देखने को मिलने वाली है और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं मकबूल खान। साथ ही साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है जी स्टूडियोज़ ने और अली अब्बास जफर ने। और वहीं आपको बता दें कि खाली पीली फिल्म से ईशान खट्टर ने अपने नए नए लुक सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, जो कि देखने में काफ़ी सही लग रहे हैं। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं खाली पीली फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर के लिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ और बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।